ओम, क्या आपने कभी सोचा है इसी धरती पे इसी सृष्टि में कुछ ऐसे भी मनुष्य जन्म लेते हैं जिनमें देवताओं के गुण होते हैं और कुछ ऐसे भी मनुष्य जन्म लेते हैं जिनमें दैत्यों के गुण होते हैं। तो वेदव्यास जी ने जो 16 संस्कार बताए हैं उन्होंने उसमें संस्कारों का इतना महत्व बताया है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 50% जो संस्कार होते हैं वो गर्भ में ही बच्चे को मिल जाते हैं और बाकी के जो संस्कार होते हैं वो मिलते हैं जब वो धरती पे आता है, मतलब जन्म लेता है सृष्टि में, तब उसको वो संस्कार मिलते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई है प्रहलाद के विषय में, जो एक बहुत गहरी बात है जो सभी को नहीं पता है, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि प्रहलाद जो कि एक राक्षस का पुत्र था उसकी कैसी परवरिश हुई, किसके संस्कार उसके अंदर पड़ गए कि वो प्रहलाद जो है भगवान श्री हरि का इतना बड़ा भक्त हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या के बल से बहुत सारी शक्ति अर्जित कर ली और फिर उन्होंने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ से सारे देवता चले जाएं। तो विवश होकर देवता मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण करने लगे, वहीं रहते। उन्होंने अपने सैनिकों को भेज दिया धरती पे और उन्होंने कहा कि धरती पे जाके देखो कि कोई भी देवता या कोई भी साधु संत अगर किसी देवता के लिए यज्ञ या अनुष्ठान करता है या फिर किसी भगवान आदि का नाम लेता है तो तुम उन्हें जान से मार दो। उन्होंने भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से धरती पे रोक लगा दी, धरती पे कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता है। दोबारा जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए, इस बार जो उनका उद्देश्य था तपस्या के पीछे वो चाहते थे, उन्होंने ऐसा कुछ विधान बनाने का प्रयास किया कि बिल्कुल सृष्टि के नियम से उल्टा, कि कोई भी अगर पुण्य करता है तो उसे उस पुण्य के लिए दंड मिलेगा और कोई भी अगर पाप करता है, अपराध करता है, तो उस अपराध के लिए उसे जो है फल, अच्छे फल मिलेंगे। ऐसा उन्होंने विधान बनाने के लिए, दोबारा तपस्या करने के लिए वो जो है महल से बाहर गए। जब देवताओं को पता चला कि उनकी पत्नी महल में अकेली है और वो गर्भवती भी है तो उन्होंने कर दिया वहां पे आक्रमण, हिरण्यकश्यप के महल पे उन्होंने आक्रमण कर दिया और फिर सारे देवताओं ने जो है मिलके बहुत सारे दैत्यों को मार डाला और बहुत सारे दैत्यों को वहां से भगा दिया। अब उनकी पत्नी को जो है इंद्रदेव ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि यदि इनका बच्चा जन्म लेता है तो फिर आफत आ जाएगी क्योंकि वो भी अपने पिता की तरह बलशाली होगा और वो भी गलत रास्ते पे जाएगा। तो जब उन्होंने कोशिश की कयाधु को, मतलब प्रहलाद की माता को मारने की ताकि प्रहलाद जो है गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाए, तब जो है नारद जी आए और उन्होंने कहा कि कयाधु एक पतिव्रता नारी है और एक पतिव्रता नारी पे या साध्वी पे या फिर किसी भी पर नारी पे प्रहार करना या उनका किसी भी प्रकार से अपमान करना पाप है, तो कृपा करके आप इंद्रदेव इनकी पत्नी को छोड़ दें। इंद्रदेव ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए नारद जी को सारी बातें कह दी कि क्यों चाहते हैं वो इस बच्चे को मारना। तब नारद जी ने बचाया उनकी पत्नी कयाधु को, जब उन्होंने बचाया तब जो है कयाधु को कुछ विश्वास सा हो गया नारद जी पे और नारद जी ने कयाधु से कहा कि आप मेरे आश्रम में चलिए, वहां पे रहिए, जब तक आपके पति वापस नहीं आते हैं तब तक आप वहां पे सुरक्षित रह सकती हैं क्योंकि आप गर्भवती हैं तो आपको सुरक्षा की और ज्यादा आवश्यकता है। तब कयाधु जो है गई उनके आश्रम में, किसके, नारद जी के आश्रम में। उन्होंने कयाधु को समझाया कि ईश्वर वो होते हैं, भगवान वो होते हैं जो सृष्टि की रचना भी कर सकते हैं और सृष्टि का संहार भी कर सकते हैं, और क्योंकि हिरण्यकश्यप जो थे वो सृष्टि में ही जन्मे थे तो हिरण्यकश्यप ईश्वर कैसे हो सकते हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। उन्होंने बहुत समझाया। तब नारद जी ने उस वक्त बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी बातें ईश्वर के विषय में प्रहलाद जी की माता को, मतलब कयाधु को बताई। यही कारण है कि गर्भाधान संस्कारों के कारण ही जो गर्भ में वे थे और उस वक्त उन्होंने अनेकों कथाएं सुनी, अनेकों कहानियां सुनी ईश्वर के विषय में, तब वो जन्मे तो बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव के साथ जन्मे। वो बातें करते तो श्री हरि की करते, इसके अलावा कोई चिंतन नहीं करते, इसके अलावा कोई बात नहीं करते, नाम लेते तो श्री हरि का लेते। उनके पिता ने कितनी बार अपने पुत्र को मारने की कोशिश की, मतलब प्रहलाद जी को, लेकिन फिर भी हर बार श्री हरि ने उनका जो है साथ दिया और उनकी रक्षा की। तो ये है संस्कारों का प्रभाव कि दैत्य के घर में देवता जैसा पुत्र, इतना भक्ति भाव से भरा पुत्र जन्मा। तो हमारे जो शास्त्र है उनमें संस्कारों का बहुत गहरा प्रभाव बताया गया है, खास करके 3 संस्कार जो सबसे शुरुआत के होते हैं, गर्भाधान संस्कार,
पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो होता है वो पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। पूर्व समय में जो राजा आदि हुआ करते थे उनको पुत्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, क्योंकि उनका पूरा वंश खत्म हो जाता या उनका राज्य कौन संभालता अगर उनके यहाँ पुत्र न जन्म लेता। तो उसके लिए पुंसवन संस्कार की एक विधि बताई थी ऋषियों ने, और उसके बाद में जो है बहुत सारे संस्कार और, लेकिन तीन मुख्य जो संस्कार है, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार, ये तीन संस्कार बताए गए थे। इन्हीं संस्कारों का प्रभाव अभिमन्यु पर पड़ा जब अभिमन्यु गर्भ में थे अपनी माता सुभद्रा के। इन सभी बातों को आपके समक्ष रखने के पीछे हमारा इतना सा उद्देश्य है कि आप सभी संस्कारों के महत्व को समझे, अपने जीवन में धारण करें और आपसे जुड़े जो भी व्यक्ति है उन्हें भी इनका महत्व समझाए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो शायद किसी के जीवन को परिवर्तित कर दे। आप सभी के लिए और भी संस्कारों की बात हम आगे करेंगे, और भी जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे जीवन बदलने की एक संभावना विकसित हो सकती है किसी में, उन चीजों को भी हम लेके आएंगे। अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से जुड़े रहें, क्योंकि यही हमारी पहचान है। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। ओम शिवाय।